हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे हस्बैंड का कुछ ज़रूरी काम की वजह से हम दोनों आए हुए हैं कोलकाता। दुर्गापुर से हावड़ा स्टेशन तक बाय ट्रेन, फिर उसके बाद हावड़ा मेट्रो स्टेशन से एक्सप्लेनेड बाय मेट्रो। हावड़ा में मेट्रो स्टेशन का कंस्ट्रक्शन हो चुका है और मुझे एक्सप्लेनेड जाना है, और मैं हावड़ा मेट्रो स्टेशन से एक्सप्लेनेड मेट्रो स्टेशन का सवारी करने का मेरा बहुत दिनों से इच्छा हो रहा था। तो फाइनली टिकट लेकर हम बहुत नीचे हमको जाना है, और एक्सेलेटर के हेल्प से हम नीचे और नीचे और नीचे जा रहे थे, क्योंकि बहुत नीचे हमारा ट्रेन आएगा हमको लेने। और आप लोगों को पता ही है ये रूट, क्योंकि नया कंस्ट्रक्ट किया गया है। हम गंगा नदी के अंदर से हम जाएंगे। नहीं, गंगा नदी के अंदर एक टनल है, टनल के अंदर ट्रेन जाएगा, और ये सब आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। कंस्ट्रक्शन बहुत ही नया तरीके से किया गया था। गेट के अंदर मीन्स गेट के बाहर ट्रेन है, पहले गेट खुलेगा फिर ट्रेन का दरवाज़ा। ये बहुत ही नया सिस्टम मैं इस रूट के ट्रेन में देखी। पहले तो ये मैंने नहीं देखी थी, सिर्फ बाहर फॉरेन में मैं देखी थी। अभी ये नया सिस्टम अभी इंडिया में भी चालू हो गया है, आई मीन बंगाल में चालू हो गया है। एनीवे, अंदर घुसते ही हमें मेट्रो रेल के अंदर घुसते ही बहुत राहत मिला, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही गर्म था, और अंदर का टेम्परेचर उसके मुताबिक पूरा कूल था। ऑब्वियसली एसी चल रहा है तो कूल ही होगा। उसके बाद गेट बंद करने के बाद आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दिस। और मेट्रो और रेल में सवारी होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि नो जर्किंग, नो डस्ट, कूलिंग इफेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो एवरी पैसेंजर ओवर हियर वॉज ऑल्सो एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस दिस। ये जो ब्लू लाइट आप देख रहे हो ना फ्रेंड्स, देखिए तीनों लड़की शूट कर रहे हैं। ये ब्लू लाइट इंडिकेट करता है कि हम रिवर गंगा के नीचे जो टनल है उस पर सवारी कर रहे हैं। कुछ सेकेंड का टाइम है, फिर उसके बाद ये ब्लू लाइट हट जाएगा। ब्लू लाइट बिकॉज वाटर कलर ब्लू है, इसको इंडिकेट करने के लिए ब्लू लाइट है। बस सवारी ख़त्म हो गया, हम एक्सप्लेनेड पहुंच चुके हैं, और अब ये देखिए, यस नाउ दिस इज़ एक्सप्लेनेड, आई मीन ये धर्मतला। हमको कहाँ जाना है, एवरीथिंग, वेयर वी आर गोइंग, व्हाट टू डू, एवरीथिंग आई एम गोना शेयर। तो इस वीडियो को आप स्किप ना करके पूरा देखिए। इस वक्त घड़ी में 2 बज रहा था, दोपहर का समय था, बहुत ही गर्मी था, और इस गर्मी में हम दोनों चल चल के जा रहे हैं टूवर्ड्स डेकर्स लेन। डेकर्स लेन कोलकाता शहर का बहुत ही पुराना गली है एंड बहुत ही फेमस है। सो फ्रेंड्स, मैं अभी जा रही हूँ डेकर्स लेन। तो धर्मतला मेट्रो स्टेशन से कुछ रास्ता अलग है, चल चल के जा रहे हैं। मुझे तो पता नहीं कहाँ क्या है, मेरे हस्बैंड को फॉलो करके मैं जा रही हूँ। और काफ़ी धूप है, पर अभी तो अप्रैल स्टार्टिंग है, टॉलरेबल। आफ्टर वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस फाइनली आई रीच टू डेकर्स लेन विच इज़ इन कोलकाता, वेयर आई वॉन्टेड टू विजिट फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। एंड this lane is famous for these food shops, the food and the quality of the food they serve are tasty as well as good in quality, and some of these shops are very famous, such as Chitto Babu's chicken stew, which is this and very famous nowadays is Joy Matara Orunda's vegetarian, I mean veg hotel. So first I reached to his hotel Orunda's. What I experienced, what he said, he talked with us very politely. Orunda ke dukan se maine khaya hai 2 butter masala kulcha aur aloo 65 aur paneer
मिक्स भेज, बहुत ही टेस्टी था, विद सैलड एंड वन हरी चटनी। बहुत भीड़ था और ऑब्वियसली अरुणदा का दुकान है, खाना तो टेस्टी होगा ही। भीड़ और गर्मी के वजह से मैं प्लेट का फ़ोटो लेना ही भूल गई और खाना खाने का क्लिप्स लेना ही भूल गई, सॉरी फॉर दैट। आप देख ही पा रहे हो कितना भीड़ जमा हुआ है इस टाइम। সেই কবে থেকে ভাবছি সিকিম থেকে আসবো আপনার এখানে। সিকিমে বাড়ি? সিকিমে বাড়ি না, বাড়ি আমাদের দুর্গাপুর। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা ওখানে কাজ করতেছি। দুর্গাপুর থেকে মানে আমরা এসেছি স্পেশালি তোমার সাথে দেখা করার জন্য। এমনি তো কবে থেকে তোমার ভিডিও দেখছি, আসবো 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 হয়ে উঠছে না। আজকে মানে আমি আগে বলেছি, আমি ওকে একটার পর একটা আমার ইচ্ছা করে জানিয়েছি আগে এখানে আসবো, প্রথমবার এই লেনে এসেছি। আর আপনার দোকানের খাওয়ার টেস্ট করবো আর আপনার সাথে দেখা করবো। Now we are heading towards Chitto Babu, the famous and old shop. उधर हम जाकर खाएंगे chicken stew. काफ़ी और काफ़ी नहीं बहुत famous है chicken stew. ধরো আমি অর্ডার করছি, একটাই তো। ये चिकन स्टू बहुत ही टेस्टी था। मेरा हस्बैंड कुछ भी नहीं टेस्ट कर रहे थे, कुछ भी नहीं खा रहे थे, बिकॉज उनका तबीयत ठीक नहीं था, मैं ही सिर्फ खा रही थी। मुझे ये स्टू बहुत अच्छा लगा। तो ये था ऑल अबाउट दिस ब्लॉग। अगेन आई विल बी बैक विथ अनदर न्यू ब्लॉग। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड्डी की लाइफ स्टाइल। ना खाओ, तुम्हें खाओ, इटा तुम्हारा फेवरेट है, तुम्हारा दरकार। कैमन?